इतना करम गुलाम पे फरमा मुस्तफा। सारे लोग मिलकर एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इतना करम गुलाम पे फरमा मुस्तफा, इतना करम गुलाम पे फरमा है मुस्तफा। मेरा दावा है सानी मिश्रा आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी खामोश नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। क्यों? हर मर्द मोमिन की यही तमन्ना है। क्या है सुने? देखे रफीक भाई, इतना इतना करम गुलाम पे फरमा ए मुस्तफा, इतना फरमा मुस्तफा, इतना इतना करम गुलाम पे फरमा मुस्तफा। अरे मौता मौता ए यार बोले आ जा ए मुस्तफा, मौरे तकबीर नारे रिसालत या गौ तकरीबात उनसे पाक औलादे उनसे पाक, नारे औलादे गौसे पाक। इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफा, इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफा, इतना करम गुलाम फरमा मुस्तफा, इतना करम गुलाम पे फरमा ए मुस्तफा। अरे मौता है यार सा मोने आ जा ए मुस्तफा, मौताए आरे सामने आ जाए मुस्तफा। चलते चला जाए ये भी शेर देखे रफीक भाई के खादिम बना के साथ, खादिम बना के साथ, खादिम खादिम बना के साथ रखे मुझे को हशर में। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। खादिम बना के साथ रखे मुझे को हशर में के खादिम रखे
मुझे को हश्र में तो फिर अपने साथ खुए तुम्हें ले जा मुस्तफा, फिर अपने साथ खुद में ले जा मुस्तफा। ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। हमें हम अपने आप को आज मुसलमान कहते हैं। मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है, और मुसलमान हम तक इस्लाम कैसे पहुंचा ये आपको शायद ही मालूम है। कितनी कुर्बानियां हमारे असलाफ ने दी है, खुद नबी पाक के घराने जिसे सरकार ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मौला इमाम हुसैन ने अपना सर कटाया तब जाके इस्लाम हमारे हाथ में। करबलाए मुअल्ला में इमाम हुसैन ने अपना घर का घर लुटा दिया तब जाके इस्लाम हमारे हाथ में आया। अरे बोलिए ना, हम आपके बीच पढ़ रहे, आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं समझ में नहीं आ रहा। नबी पाक का खानदान, और ये भी जान लीजिए उसी खानदान में से एक ऐसे हैं जिन्हें हम और आप बाबा और मामा जान कहते हैं, उसी खानदान उसी घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा जान मामा जान के चाहने वाले हैं। जरा सा थोड़ी सी बेदारी आप पैदा करें, एक माहौल बना दीजिए ताकि मैं पढ़ पाऊं। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंदाबाद से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफा, हम बेखबर हैं और इधर रात रात भर, हम बेखबर हैं और इधर रात रात भर, हम बेखबर हैं और इधर खबर है और इधर रात रात बे, अशकों से अपने चेहरे को नहला ए मुस्तफा, अशकों से अपने चेहरे को नहला ए मुस्तफा। इस कलाम में बहुत सारे शेर हैं, मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। कि पढ़कर दरूद इसलिए, पढ़कर दरूद इसलिए, पढ़कर दरूद इसलिए, सोता हूँ रात को। इस शेर में एक पैगाम भी है, अगर आप सही तरीके से वजू बनाकर बाज़ाब्ता नबी और आले नबी का जिक्र करके आप सोएं, क्योंकि इस शेर में एक पैगाम भी है। वो क्या है मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि पढ़कर दरूद इसे सोता हूँ रात को, के पढ़कर पढ़कर दरूद इसलिए सोता हूँ रात को, क्यों अरे कब जान कब जाने मेरे ख्वाब में आ जा ए मुस्तफा, बाबा कब जाने मेरे ख्वाब में आ जा ए मुस्तफा।
कब जाने मेरे ख्वाब में आ जा मुस्तफा। दर्द पाक वाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला या बाबा मामा। एक आवाज में होकर मेरे कानों तक आवाज आए तो मैं आगे बढ़ू। मोहब्बत से बोल दीजिए या बाबा मामा, या बाबा मामा, या बाबा मामा, या बाबा मामा, या मेरे बाबा। बोलिए ना, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे मामा मामा, या मेरे मामा, या मेरे मामा मामा, या मेरे मामा। खुल्दे बरी के जैसा, खुल्दे बरी के जैसा, खुल्दे बरी के जैसा आकर नसीम तेरा। अरे अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? मोहब्बत एक होकर बोलिए सुभान अल्लाह। खुल्दे परी के जैसा, खुल्दे परी के जैसा है आकर नसीम तेरा, खुल्दे परी के जैसा है आकर नसीम तेरा। दुनिया है तंग देख के, दुनिया है तंग देख के, दुनिया है तंग देख के, गुलशन नसीम तेरा। या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा। आप वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, बहरहाल आप कलाम सुन। या मेरे बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। किस्मत से हमको मिला है आले नबी दामन। इतनी खामोशी में सुनिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। किस्मत से हमको मिला है, किस्मत से हमको मिला है आले नबी कलाम, किस्मत से हमको मिला है आले नबी कलाम। छूटे कभी ना हाथ से, छूटे कभी ना हाथ से, छूटे कभी ना हाथ से दामन नसीब तेरा। या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा मामा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिए। अच्छा सुभान अल्लाह अगर नहीं बोलना है मत बोलिए। मेरे साथ बाबा जान मामा जान के नाम का वजीफा तो पढ़ सकते हैं ना? जी पढ़ेंगे, सारे लोग मिलकर मेरे साथ पढ़िए। या मेरे बाबा, पढ़िए पढ़िए जोर से पढ़िए। या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे मामा मामा, या मेरे मामा, या मेरे मामा मामा, या मेरे मामा। बाबा जान के रोजे पर मरीजों की कतार लगी रहती है।
जिसे जो भी परेशानी होती है वो मरीज बन के दरबार में चला जाता है, और उस दरबार में जाने के बाद शिफा भी पा लेता है। पंजतनी घराना है, सखी घराना है, उसी घराने के गौस है, उसी गौस के औलाद मामा जान बाबा जान। अरे उनके नाम पे कह दीजिए ना सुभानअल्लाह। या मेरे बाबा, या मेरे मामा, या मेरे बाबा या दुनिया के सब मरीजों से जाकर के पूछ लो, दुनिया के सब मरीजों से जाकर के पूछ लो, दुनिया के सब मरीजों से जाकर के पूछ लो, दुनिया के सब मरीजों से जाकर के पूछ लो, कितना हयात बच है, कितना हयात बच है, धोबन नसीब तेरा। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिलत सैयद शाह हुसैन बाबा सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मामा जान बाबा जान ये वो नाम है जिस नाम को लेते ही मुश्किलें दूर भागती हैं। सुने आप, या मेरे बाबा, या मेरे मामा, या मेरे बाबा या मामा। महरूम अकल को नहीं इस बात का पता, महरूम अकल को नहीं इस बात का पता, महरूम अकल को नहीं इस बात का पता, महरूम अकल को नहीं इस बात का पता। सोमे की रोपे भारी, सोमे की रोपे भारी, निर्धन नसीब तेरा। या मेरे बाबा बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे बाबा, या मेरे मामा। हजरत हमारे रफीक नकीबे हिंदुस्तान, इनके हवाले से इनकी फरमाइश में एक कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, और उस कलाम पे मैंने सरकार की जो जाहिरी जिंदगी में जो भी हालात हुए हैं उसको पसे मंजर, उसी पसे मंजर में मैंने शेर कहने की कोशिश की है। थोड़ी सी यार आप हजरात बेदारी पैदा कर लें, जरा सा आप नवाज दें, इंशाल्लाह आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा। और मेरे बाद कोयल लखनवी भाई वो अभी से पस्त हो रहे हैं कि जब इनका ये हाल हो रहा तो मेरा क्या होगा। आप घबराइए नहीं कोयल भाई, मैं आपको ऐसा माहौल बना के दे दूंगा, इंशाल्लाह आप पढ़ के निकल जाएंगे, है ना, माहौल बनाएंगे ना। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुने आप हजरा, आपके दर का गदा है जहां का बादशाह,